अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रक शाहज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अलग किस्म का गिलास। सबसे पहले आपने यहां पर नेम टाइप करना है, ठीक है। जैसा कि मैं नेम टाइप करूंगा जुनून, लिखने के बाद आपने यहां पर आना है ए बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। ए बी वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पर फॉन्ट्स लगा लेना है, ठीक है। कोई भी आपने फ्रेंड फॉन्ट्स लगा लेना है, यहाँ पर मैं लगा लूँगा ये वाला फॉन्ट्स। ये सिर्फ आपने एस पे लिखना है, ठीक है, जेड जे पे लिखना है सिर्फ, ठीक है। बाकी आपने जो नेम है ना इस पे और फॉन्ट्स लगाना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कौन सा आपने लगाना है, वो ये वाला लगाना है आपने, ठीक है। जहाँ तक आपने इसकी पैडिंग भी कर लेनी है, लेफ़्ट पैडिंग राइट पैडिंग, ठीक है। जहाँ तक हो गया, इसके बाद आपने फ्रेंड इसका साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपने इसकी फ्रेंड कॉपी कर लेनी है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने आना है, इसकी कॉपी करनी और कैपिटल लेटर में एफ़ लिखना है, ठीक है। एफ़ लिखने के बाद आपने ए बी वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर एक और फॉन्ट्स लगा लेना है, ठीक है। ये वाला फॉन्ट्स मैंने लगा लिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर फिट कर लूँगा और इसके बाद आपने करना है कि आपने फिर कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने फिर अगेन आना है टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट में आपने आ जाना है एडिट में, ठीक है। एडिट में आने के बाद आपने यहाँ पर ए बी सी लिख लेना है, ठीक है। ए बी सी लिख लिया और इसके अलावा आपने करना कि आपने फिर ए बी वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। जितने फॉन्ट्स मैं यूज़ करूँगा इन सब का फ्रेंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर देना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद आपने फिर एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद आपने यहाँ पर डी लिखना है, ठीक है। डी लिख लिया, डी लिखने के बाद आपने फिर ए बी वाले ऑप्शन में आना और यहाँ पर लिख लेना डिमास्टिक डेंस, ये वाला फॉन्ट्स आपने लगा लेना है, ठीक है। और इसका साइज़ कम कर लेना है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी करके इसके नीचे अगर आप लंबी सी लाइन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ ये वाले, ठीक है। ये वाली लंबी लाइन लग गई। अब आपने करना है कि आपने आना है ए बी वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपने फॉन्ट्स ये वाला लगा लेना है और इसका जो साइज़ है ना ये आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आप लंबी ये लाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आपको ये चाहिए। मैंने यहाँ तक लगा ली, आप ब्रीक लाइन भी लगा सकते हैं। मैंने आपको मेथड समझाने के लिए ये जो है ना लगाई है। आपने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट फ्रेंड कर देना है और इसको अल्ट्रा में सेव कर देना है, सेव टू गैलरी। अब आपने पीएस टच में जाना है। तो फ्रेंड मैं पीएस टच में आ गया हूँ। अब आपने यहाँ पर इसकी ना तीन डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, ठीक है। टोटल चार लेयर होनी चाहिए, देखना चार लेयर हैं। अब आपने करना क्या, नीचे वाले तीनों को हाइड कर देना है आपने और फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट आपने कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने एफ एक्स में जाना है और यहाँ पर लाइट में आपने आ जाना है। लाइट में आने के बाद आपने फर्स्ट लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, इसको भी हाइड करना है। फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके एफ एक्स में जाना है, लाइट में आना है और सर्कल को पकड़ कर ऊपर ले जाना है, इसको ब्लैक कर देना है। फिर एफ एक्स में जाना है और इसी दफ़ा इस पर ऊपर ग्लो लगा देनी है, ठीक है। ग्लो लगा देनी है, आपने कलर वाइट कर लेना है और 0.6, ठीक है, और ओके कर देना है। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा आपने इसका ब्लेंडर मोड यहाँ से फ्रेंड सिंपली स्क्रीन कर देना है। अब आपने आना है सेकेंड लेयर पर, पहले इसको ऑन कर लेना है और आपने एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने ड्रॉप शेडो में आ जाना है, ठीक है। ड्रॉप शेडो में आने के बाद आपने इसका एंगल 130 पे कर देना है और इसका ब्लर जो है ना ये 6 पे सॉरी कर देना है और जो इसकी डिस्टेंस है ना ये 5 पे करके ओके कर देना है। अब आपने करना क्या है, आपने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने आना है थर्ड वाली लेयर पर, इसको पहले ऑन कर लेना है। फिर आपने एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने बेवल में आ जाना है, ठीक है। बेवल में आ गए, कलर इसका आपने ब्लैक कर लेना है और इसका जो ब्लर है ये 42.3 कर लेना है और जो डिस्टेंस है ना ये तकरीबन आपने 39 तक कर लेना है। अब आपने करना है क्या, इसका भी ब्लेंड मोड यहाँ से ओवरले कर देना है, ठीक है। जहाँ पर आपने आना है ओवरले कर देना है। अब आपने आना है लास्ट लेयर पर, ठीक है। लास्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपने करना क्या है, आपने एफ एक्स में जाना है, एफ एक्स में नहीं जाना, आपने इस वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने ग्रेडिएंट सेलेक्ट कर लेना है। मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये वाले कलर मैंने रखे हैं, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं,
वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे भी आप यहाँ पर इसको मैंने रख लिया, इसको यहाँ पे टोटल ये 7 कलर हैं, आप जितने भी रखना चाहें आप फ्रेंड रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो मैं रखूँ वो ही आप रखने, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये, आप यहाँ तक हो गया। अब आपने पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, पिक्सल डी सेलेक्ट कर दिया, फर्स्ट लेयर पर फिर एक दफ़ा ग्लो लगानी है। ग्लो लगाने के बाद आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है। ठीक है, एक दफ़ा डुप्लीकेट कॉपी कर ली और लास्ट लेयर की भी एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है, जिस पे कलर ग्रेडिएंट लगाया है, सॉरी इस पे मैं इसकी मैंने कर दी, ये डिलीट आपने कर देना है। कलर वाले की आपने करनी है। ठीक है, कलर वाले कर ली और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से ओवरले कर देना है, और ओवरले वाली को नीचे, और जो ऊपर वाली है ना, जो जिसका ब्लेंड मोड नॉर्मल है, इसको डार्कन कर देना है यहाँ से। तो ग्लो वाली की एक दफ़ा फिर आपने इस पर ग्लो लगा देनी है। यहाँ पे देखें आपकी लास्ट वन रेडी हो गया। इस डन पे आपने क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, कुछ बहन भाइयों को पता ही नहीं चलता कि सेव कैसे करना है, डन पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे आपने क्लिक कर देना, तो ये सेव हो जाएगी पे यहाँ पे। तो फ्रेंड आज का हमारा बस यही था ट्यूटोरियल, अगर वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।